अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहादुद में आप सभी का आखिर मकदम। अहम खबरों पर तबसरा करने से पहले आज के अहम मौजू का जिक्र भी जरूरी है। टीवी डिबेट में फिलहाल गरबा दाडिया में मुस्लिम नौजवानों की पाबंदी पर बहस तस्करा हो रहा है। इत्तेहाद न्यूज ने हमेशा नाम की तरह मकसद भी इसी तरह का रखा है कि किसी तरह माशरे में इत्तेहाद बरकरार रहे, लेकिन बारहा ये देखा जाता है कि हमें ही इंतजामिया की जानिब से हिदायत बार बार दी जाती है कि तशद्दुद को बढ़ावा न दें। आप सभी जानते हैं कि सुबह से शाम तक कैसे मेनस्ट्रीम मीडिया जहर उगलती रहती है, इस पर तो कोई कुछ नहीं बोलता। खैर, हमारा काम है हकीकत को सामने लाते हुए इस मुल्क के संविधान की हिफाजत और फिरका परस्तों को बेनकाब कैसे किया जाए और साथ में मुस्लिम माशरे की इस्लाह कैसे हो सकती है, माशरे के अंदरूनी मसाइल से कैसे निपटा जाए, क्या जमातों का काम होना चाहिए, मस्जिद से खुतबे हालात पर क्यों नहीं दिए जाते वगैरह। खैर, आज इस मौजू पर बोलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तकरीबन शहरों में नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है, जश्न मिलादुन नबी अनकरीब है, तो बेलगाम शहर में इसी नवरात्रि के वक्त दुर्गा दौड़ का भी एहतमाम किया जाता है। अभी इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि किस तरह के नारे उस वक्त लगाए जाते हैं वो उनका मामला है, वो उस पर नजर रखे। लिहाजा मौजू यह है कि मुस्लिम नौजवानों को दाखला न देने की बात कही जा रही है, इसके बावजूद भी कुछ नौजवान वहां जाकर पकड़े जाते हैं, जिसे बचना चाहिए और मोहल्ले के जिम्मेदारान और जमातों को भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए और इस पर भी बयानात करनी चाहिए, हिदायत देनी चाहिए। फिलहाल माहौल ऐसा है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, तुम आह भी करते हो जाते हो बदनाम। तो ऐसे वक्त में बहुत ही एहतियात से किसी तरह की गलती ना हो इसका ख्याल रखना चाहिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 अफरादों को गिरफ्तार किया गया जो नवरात्रि में गरबा में दाखिल होकर डांडिया खेलना चाहते थे। इनकी शनाख्त हो गई और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसके बाद सभी जानते हैं क्या होता है, वही जिल्लत और रुसवाई। कहने का मतलब, क्या जरूरत है दीगर मजाहिब के त्योहारों में तुम्हें शरीक होने की, आप अपने ही त्योहारों को सही ढंग से बना लो। अब तो हर जगह पर गरबा डांडिया में आधार कार्ड पूछा जा रहा है। वैसे तो कोई भी ऐसे इजलासों में शरीक नहीं होता, लेकिन जिस कौम को निशाना बनाया जा रहा है आखिर क्यों कर मौका दिया जाए। महज कुछ अफराद होते हैं जिन्हें ना तो माशरे की फिक्र होती है या फिर कौम की कोई फिक्र होती है, और ये वही लोग हैं जो अपने आप को बड़े ही लिबरल और सेक्युलर समझते रहते हैं। अब तो खवातीनों के मसलों में भी इजाफा होता जा रहा है। कुछ मुस्लिम लड़कियां भी ऐसे गरबा डांडिया में शरीक होने की खबर हासिल हो रही है जो अपने आप को बहुत ही अकलमंद और तरक्की याफ्ता समझते हैं। यकीनन बहुत ही कम मिकदार में ऐसे लोग पाए जाते हैं, पर माशरे को बदनाम करने के लिए इतने ही काफी होते हैं, और सामने तो हर नैरेटिव एक समाज के खिलाफ चलाना होता है, तो इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है। लिहाजा नौजवानों को चाहिए कि वो इज्जत और जिल्लत का फर्क भी समझे। इज्जत और जिल्लत का फर्क भले ही ये लोग ना समझते हो, लेकिन पूरे समाज को बदनाम करने का मौका तो मिल जाता है। अब जब इंदौर के पंडरीनाथ पंडाल में 8 मुस्लिम नौजवानों को पकड़ा गया तो सुबह से शाम तक टीवी में इसी पर खबरें डिबेट चलाई जा रही है। लव जिहाद का खतरा बताया जा रहा है, छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनाकर एक समाज को कटघरे में खड़ा करने की तहरीक अब और तेज हो चुकी है। बहुत ही नाजुक दौर से मुस्लिम माशरा गुजर रहा है। अब तो अदालत, इंतजामिया, सरकारी एजेंसियां पूरी तरह से हुकूमतों के जेर मातहत काम को अंजाम देने का इल्जाम लगाया जा रहा है। ऐसे वक्त में चाहिए कि अपने माशरे को बड़ी संजीदगी से फैसले लेना होगा। वालिदैन को भी चाहिए कि नौजवान कहां, किन दोस्तों से, कैसे महफिलों में उठना बैठना कर रहा है अपना लाडला, इसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। इसी तरह से लड़कियों पर भी नजर रखनी होगी। अजीब मामला देखिए, लड़कियों को तो त्योहारों में इजाजत दी जाती है और लड़कों पर पाबंदी लगा दी जाती है। खैर, वो अपना मामला है और वो ठीक भी है, जाने की जरूरत ही नहीं है। इससे सीधा इसके पीछे की वजह मालूम होती है। लिहाजा जहां पर नजर रखकर जानबूझकर मामले को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है वहां पर जाने से परहेज करें। पिछली मरतबा बेलगाम में भी कुछ वारदात इस तरह की पेश आने की तरह हासिल हुई है। बहरहाल, किसी तरह का मौका न दिया जाए इसका ख्याल सभी को रखना चाहिए, और यह हमारी तहजीब भी नहीं है, इसका भी एहसास जरूरी है। अब अहम खबरों पर एक नजर। वैसे पूरे मुल्क में PFI पर पाबंदी की चर्चा जारी है, कईयों ने इसे गलत कहा है तो कुछ इसकी हिमायत में भी खड़े हैं। खैर, बेलगाम शहर में भी बतौर एहतियाती दफाए लगाकर 7 अपराधों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी जल्द रिहाई की बात पुलिस इंतजामिया की जानिब से कही गई थी। इत्तला के मुताबिक आज रिहा करना था, लेकिन किसी वजह से कल रिहा किया जाएगा ऐसा बताया गया। मामला सिर्फ बेलगाम का नहीं है बल्कि दिगर शहरों में भी प्रिवेंशन डिटेंशन के तौर पर 107, 110, 111 के तहत जितने भी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है इन्हें रिहा किया जा चुका है, कईयों को अभी करना बाकी है। पुलिस इंतजामिया ने बताया कि पॉपुलर फ्रंट पर पाबंदी आयद करने से पहले इसलिए गिरफ्तारी की गई ताकि किसी तरह की गड़बड़ी पाबंदी के बाद न हो। लिहाजा पूरे कर्नाटक में मामला ठीक रहा, कहीं पर भी पाबंदी के बाद तशद्दुद की वारदात पेश नहीं आई। आज जुमा के बाद भी शहर में काफी सख्त पुलिस बंदोबस्त रहा, किसी तरह की भी कोई वारदात पेश नहीं गई। पुलिस मोहकमा की जानिब से पेट्रोलिंग भी जारी थी। गिरफ्तार कारकुनान में जकीउल्लाह फैजी, आबिद खान कड़ोली, जहीर की वाले, बदुद्दीन पटेल,
रिहान शाहनवर और समीउल्लाह पीरजादे शामिल है। उम्मीद है कल उनकी रिहाई हो जाएगी। आज जमात इस्लामी हिंद की जानिब से यौम मिलादुन नबी के मौके पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और इनकी तालीमात पर रोशनी डालने वाले इजलास को मुनक्कद किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ मजाहिब के लोगों को भी दावत दी गई थी। आज के इजलास के मेहमान खुसूसी नागनूर मठ के आलम प्रभु स्वामी जी रहे। एजाजी मेहमान मालोज रोशनी कर रहे तो इजलास के मुकर्रर जिंदगी के महबूब अली रहे। सदारती खिताब सदर जमात शाहिद मेमन ने किया। आज रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अठौले के दफ्तर की इफ्तिताह रिसालदार गली में अमल में आई। बतौर मेहमान खुसूसी पार्टी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर एम वेंकट स्वामी रहे, इन्हीं के हाथों से दफ्तर की इफ्तिताह हुई। दिगर मेहमानान में नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर वेंकट रामनप्पा और एम मुनिराज, बेलगाम जिला कायद परशुराम शिंदे, बेलगाम जिला अखिलती शोबे के दीवान साहब देसाई, शोबे खवातीन के दिलशाद तहसीलदार, बेलगाम जिला एससी महाशरे के जिम्मेदार भारती चाटे और बेलगाम नायब सदर हसीना शेख मौजूद रहे। बेलगाम कैंप में तकरीबन 2 महीने से ज्यादा अरसा गुजरने को आया जिसमें सड़क हादसा पेश आया था और स्कूली बच्चे की मौत भी वाकई हुई थी। इसके बाद कई सारे वादे इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस और खुद एमएलए की जानिब से भी किए गए थे। कैंप में उस जगह पर आज भी सुबह स्कूली बच्चों की चहल पहल बहुत ज्यादा रहती है और यहाँ अब्दुल गफार शेख जो वेलकम होटल के मालिक है अपना वक्त निकाल कर ट्रैफिक कंट्रोल का काम करते रहते। ताज्जुब तो इस बात पर होता है कि अब तक यहाँ किसी तरह ट्रैफिक पुलिस तैनात क्यों नहीं किया गया। अब्दुल गफार शेख महज इंसानियत की बुनियाद पर इस काम को अंजाम तो दे रहे हैं, लेकिन क्या इस खिदमत को ट्रैफिक महकमा ने सरकारी काम ही समझ लिया है क्या? ऐसा सवाल आवाम की जानिब से पूछा जा रहा है। लिहाजा आवाम में गुस्से का इजहार करते हुए ट्रैफिक पुलिस अब तक तैनात क्यों नहीं किया गया ऐसा सवाल भी किया जा रहा है। अगर कोई महज खिदमत की नीयत से काम तो कर रहा है, पर क्या इसे सरकारी काम समझ कर बिना तनख्वाह के आवाम से ही काम करवाया जाएगा क्या? ऐसी भी बात कही जा रही है। क्या वाकई सड़क हादसों को लेकर ट्रैफिक महकमा संजीदा है? इस तरह की भी बात की जाए। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।